Hello class, welcome back to your maths class. So kids, in the last class we have started a concept that is geometry, and in that we have done basic geometrical shapes or we can say basic geometrical concept. और उसमें हमने क्या क्या देखा, we have talked about plane, then ray, line segment, line point and things like that. तो आज की क्लास में क्या करेंगे, उसी टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट टॉपिक, राइट? ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द डेट एंड ऑल द अदर स्टफ फॉर द वीडियो. ओके, चैप्टर नेम इज रफ आइडिया. अभी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि हम जितनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस की थी, उसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ सो क्लास, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट. फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक ज्योमेट्रिकल जैसे एकदम शार्प पेंसिल से अगर हम एक पेपर पे ऐसे एक डॉट देते हैं, तो दैट डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ठीक है? पॉइंट की क्या नहीं होती, कोई भी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस पॉइंट की नहीं होती है, फाइन? उसके बाद हमने देखा था, पॉइंट को समझने के बाद हमने देखा था लाइन, हमने लाइन समझा था. सो व्हाट इज लाइन? बेसिकली लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनटू बोथ द डायरेक्शन एंड एस सी, राइट? अगर मैं ये बोलूं ये लाइन ए बी है, तो लाइन ए बी जो होगी बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये क्या होगी, चलती जाएगी एंडलेस पॉइंट तक. तो इसीलिए इट इज सेड दैट वी कैनॉट ड्रॉ लाइन ऑन अ, वी कैनॉट ड्रॉ लाइन ऑन अ पेज. ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम लाइन नहीं बना सकते पेज पे, क्योंकि बेटा लाइन हम एंडलेस, लाइन जो होती है वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में मूव करती है. इसलिए नाउ यू विल से कि मैम नहीं, हम तो लाइन बनाते हैं, अक्सर करके हम बनाते हैं, जब हम वर्ड मीनिंग करते तब भी हम मैम बोलते हैं कि मार्जिन लाइन बनाओ या जो पार्टिंग लाइन होती है वो सारी लाइन तो हम बनाते हैं. नो, दैट इज नॉट लाइन. वो होता है आपका लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज वॉट अ पार्ट ऑफ लाइन. ये जो लाइन है ए बी, अगर मैं इसका एक पार्ट ले लूँ, ठीक है? सो लाइन सेगमेंट इज वॉट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन की, लाइन का एक हिस्सा होती है, और इसके क्या होते हैं, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं बेटा, टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हो गई कि लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं, फाइन? ओके, गॉट. सो लाइन, लाइन सेगमेंट, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रे. अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा रे. नाउ व्हाट इज रे, रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट, और जो उसका एक पॉइंट होता है वो एंडलेसली मूव करता रहता है. अब इसको हमने किस एग्जांपल के साथ समझा था, इसको हमने समझा था, इस टॉपिक को, रे को समझा था सनलाइट के एग्जांपल से. अब ये जो एंड पॉइंट है इसको आप सन मान सकते हो, मतलब सन, या मैं कहूँ सोर्स ऑफ लाइट आप मान सकते हो. अगर यहाँ से ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से रोशनी चलती है तो अर्थ आती है, ठीक है? वो एंडलेस चलती जाती है, तो दिस इज वॉट रे, इसीलिए हम बोलते हैं सन रेज. ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक, जो सबसे ज्योमेट्री सीखी है, पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इनके बारे में हमने क्या किया, देखा. ना कुछ कुछ सी चीजें मैं आपको और बताती जाऊँ. अब एक क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू
वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलो अगर मैंने यहाँ पे ये एक वो लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक हाँ एक पॉइंट ले लिया, तो अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूँ, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन बना सकती हूँ? सो द आंसर इज इनडेफिनेट, कई सारी। क्यों? कई सारी लाइन सेगमेंट जो होंगी वो इनको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है ना। सो इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इतना समझ में आया? एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टू पॉइंट दिए हैं, नाउ सपोज मैं नीचे वाली जगह यूज कर रही हूँ, अगर टू पॉइंट दिए, अगर इस तरह से टू पॉइंट दिए हैं, तो अब दो पॉइंट से आप कितनी लाइन या लाइन सेगमेंट बना सकते हो? टू पॉइंट से आप कितनी लाइन या लाइन सेगमेंट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो जो दो गिवन पॉइंट है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप वन लाइन बना सकते हो, ओनली वन। ठीक है, खत्म हो गया ना पॉइंट, उससे हम इंडेफिनिट लाइन नहीं बना सकते। नहीं, अभी आप बोल रहे हो व्हाई वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, नो यू कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, आपको दोनों पॉइंट को यूज करके बनाना है। इतना क्लियर हुआ? इतना टॉपिक क्लियर हो रहा है सबको? वेरी नाइस। अच्छा चलो, नाउ लेट अस मूव अहेड। अभी क्या करते हैं, एक टॉपिक कर लेते हैं, मैच द एंट्रीज इन कॉलम वन एंड टू, दैट्स अ टॉपिक। चलो एक आपकी जितनी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई उसी पे बेस एक मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे। यू हैव टू मैच कॉलम वन। Now, match the entries in column 1 and column 2. So this is question number 1. You can do this question in your fair copy or in your rough copy, wherever you want to do. This is not from your book. These are the extra questions that I am giving you from my side. Match the entries. ठीक है, question क्या है हमारा? Match the entries. मैच द एंट्रीज। ठीक है, कॉलम ए, सबसे पहले कॉलम ए की बात करते हैं। कॉलम ए में कुछ पॉइंट ले लें हम, अरे सबसे पहले क्या लेते हैं, अरे सेकेंड वन अलाइन हैज, थर्ड पॉइंट इज A line cannot A line cannot Now the fourth one is Fourth one kya hoga beta? Fourth one is A line segment has A line segment has then again a line segment has the face of the blackboard. Now this side I am going to write the things that is given in column B. Now what are the things that is given in column B? Let us see. A definite length, first point is given. A definite length. Next one is no definite length. Only one end point.
रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ प्लेन, रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ प्लेन बी ड्रॉन ऑन पेपर. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर. ओके, नाउ अ रे, अ लाइन हैज, अ लाइन कैन नॉट, अ लाइन सेगमेंट हैज, सो वी हैव टू मैच दीज गिवन टर्म्स विद देयर प्रॉपर्टीज गिवन इन द कॉलम बी. फर्स्ट इज अ रे, सो विच ऑफ दीज पॉइंट कैन बी मैच विद अ रे. सो रे हैज अ डेफिनेट लेंथ? नो, रे के पास डेफिनेट लेंथ नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड से वो मूव करती रहती है. वन अगला जो पॉइंट होता है उससे वो मूव करती रहती है. जब ये दोनों डायरेक्शन मूव कर रही है बेटा, तो इसके डेफिनेट आप इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. सो नो डेफिनेट लेंथ, यस दिस कैन बी करेक्ट. ओनली वन एंड पॉइंट, सो अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, राइट? सो वी विल मैच दिस वन हियर और वी कैन राइट वन इन द ब्रैकेट, राइट, लाइक दिस. नेक्स्ट इज अ लाइन हैज. नाउ अ लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर? नो, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर. रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ प्लेन? नो. अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट? नहीं. नो डेफिनेट लेंथ? Well, yes, it can be. A line has no definite length. एक जो लाइन होती है उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती. वो क्या होती है? मूव करती रहती है. लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ. अ लाइन कैन नॉट, लाइन को नहीं किया जा सकता. क्या नहीं किया जा सकता? कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर. लाइन को हम पेपर पर नहीं ड्रॉ कर सकते, राइट? सो अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर. पार्ट थ्री, अ लाइन सेगमेंट हैज, भाई लाइन सेगमेंट का बताओ. अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ. लाइन सेगमेंट की क्या होती है? एक डेफिनेट लेंथ होती है. अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अ लाइन सेगमेंट हैज, अगेन लाइन सेगमेंट के बारे में बात की गई है, तो आपको पता होगा अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स ऑल्सो. लाइन सेगमेंट की क्या होती है? टू एंड पॉइंट्स भी होते हैं. लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं बेटा? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. तो दिस विल बी सिक्स वन. एंड अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड के बारे में, द फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. अब देखिए ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इसका फेस कैसे? प्लेन है. सो रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ प्लेन. सो फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ प्लेन. इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, ठीक है. Now, what happened here? क्या किया हमने यहाँ पे हमने ये मैच का कॉलम कंप्लीट कर दिया, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है. अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो किसके हैं बारे में है? वो है, ठीक है, उनके बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड. अच्छा, अभी अगले की बात करें, फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक. सो फिल इन द ब्लैंक के बारे में, फिल इन द ब्लैंक. The very first question here is, in filling the blank, question number 2, A part, array has dash end points. Array has dash end points. Array has dash end point. फाइव. अभी मैथ्स और कॉलम में भी हमने ये चीज़ की, एक रे में कितनी एंड
पॉइंट होती है बेटा वन, ओनली वन एंड पॉइंट है ना, वन साइड से मूव करता रहता है, एक क्या होता है उसमें एंड पॉइंट होती है, सो अ रे हैज वन एंड पॉइंट। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर बी इज अ लाइन हैज पार्ट बी, पार्ट बी इज अ लाइन हैज, लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। अभी बताओ भाई लाइन के बारे में क्या बात है, लाइन के पास कितनी एंड पॉइंट्स होती हैं? सो वेल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगेन मैं फिर से वही बात बता रही, दोनों डायरेक्शन मूव करती है, मतलब एंड पॉइंट नहीं होते, तो अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं एंड पॉइंट होते ही नहीं है, सो अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ओके नाउ पार्ट सी, पार्ट सी क्या है, सी पार्ट इज a line be drawn on paper, a line be drawn on paper, okay abhi batao, so a line be drawn on paper, what will you fill in this given blank, can be drawn on a paper or cannot be drawn, so a line can be drawn or cannot be drawn, well a line cannot be drawn, right, a line cannot be drawn on a paper, now D part, D part, a ray has array has no length, अभी क्या फिल करेंगे इस ब्लैंक में, टेल मी व्हाट यू विल फिल इन दिस ब्लैंक, array has no length, well array has no fixed length, fixed भी फिल कर सकते हैं आप और डेफिनेट भी आप क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स भी मैप रख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, डेफिनेट भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ओके सो अरे हैज नो फिक्स लेंथ, फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई इज अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ, a line segment, a line segment has length, अब यहां पे क्या होगा भाई, line segment की length क्या होती है, definite होती है, fixed होती है, right, so यहां पे हम क्या fill करेंगे, fixed, a line segment has fixed length, now a ray has one end point, a line has no end point, a line cannot be drawn on paper, a ray has no fixed length, and a line segment has fixed length, so here we have done the basic concept of geometry, now class from the next video I'll be starting angles, theek hai, concept of angles hum kya karne wale hain next class mein, kya karenge, we will start concept of angles, so and after completing the concept of angles, I'll be moving to the first exercise of this chapter. So, my dear student, this is it for today. And now, we will meet in the next class. Till then, take a very good care of yourself. Okay? Bye-bye.